नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 19 अक्टूबर के लिए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के दिन का जो विजय मुहूर्त है वो है दोपहर 12:12 से लेकर 12:36 तक, और राहु काल, जिसे हम अशुभ काल भी कहते हैं, वह है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 तक। आज के दिन चंद्रमा है, वह चंद्रमा मकर राशि में और कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। मकर राशि से कुंभ राशि में वह दोपहर 2:02 के बाद कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन चंद्रमा और रवि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। चंद्र और गुरु की युति भी होने जा रही है। चंद्र और हर्षल का लाभ योग भी है। बुध हर्षल का केंद्र योग और बुध नेपच्यून का त्रिकोण योग भी हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह योग आज के दिन हो रहे हैं। इन्हीं ग्रह योगों को सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और दोपहर 2:02 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में, मतलब कुंभ राशि में जाएगा। आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुगम है, बहुत अच्छे अनुभव आज आपको आने वाले हैं। जिस प्रकार का आपका स्वभाव है उसी प्रकार के अनुभव आज आपको आएंगे। मतलब जहां पर आप काम करते हो वहां पर भी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो वैयक्तिक जीवन शैली है, उसमें भी आपको अच्छे परिणाम उसके मिलते हुए नजर आएंगे। और आपका जो मूल स्वभाव है, आपका जो मूल स्वभाव क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखते हो, मतलब पारदर्शी हो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके मन में विचार है, वो आप सामने सामने बोल के ये हो जाते हो। तो इसके वजह से आज का जो आपका दिन है और जो ग्रह योग आपके लिए आज हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसी वजह से आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ अपने सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी व्याधि के कारण अगर आप त्रस्त हो तो वह व्याधि आज के दिन थोड़े बहुत लक्षण दे सकती है। मेरी मानो तो करीबन पीछे आगे आने वाले दो से तीन दिनों तक जो आपकी जो व्याधि है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप सिर दर्द या ऐसी कोई व्याधि से त्रस्त हो तो उसके बारे में थोड़े बहुत लक्षण आपको दिख सकते हैं आगे आने वाले 2-3 दिन के लिए। लेकिन आज का दिन है वो मानसिक तौर पे, और जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर भी और घर पर भी आपका आज का समय है, आज का पूरा जो दिन है आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुगम है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के करीबन भाग्य भाव में चंद्रमा है, और यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में दोपहर 2:02 के बाद आपके दशम भाव में जाने वाला है। आपके लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से आप सोच रहे हो उसी तरह से घटनाएं घट रही है, और आज के दिन अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। मतलब पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आप सोच रहे थे उसी तरह से घटना नहीं हो रही थी। आप प्रयत्न तो बहुत कर रहे थे लेकिन घटनाएं हो नहीं रही थी। लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आप प्रयत्न कर रहे हो उसी प्रकार से बातें हो रही है। तो इसी की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही शुभ आपका दिन रहेगा। सिर्फ आप अपने घर के मामले में ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि अगर आप आपके घर के मामले में देखते हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको कठिनाइयाँ हो सकती है, तो वही एक बात है। नहीं तो आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स दे रहे हो अपने काम के बारे में, वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो पॉजिटिव होते हुए भी नजर आएंगे। जो महिला है या फिर गृहिणी है उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जिस तरह से वो काम के बारे में सोच रहे थे उसी तरह से काम होते हुए नजर आएंगे, और आपके घर के जो मेंबर्स हैं, घर के जो सदस्य रहेंगे, वो भी आपके आपकी जो आपके मन में जो भी विचार है उससे एकमत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका दिन बहुत अच्छा है। हालांकि आने वाले फ्यूचर के लिए, मतलब आने वाले करीबन 15-20 दिन के लिए आप कुछ ना कुछ तो प्लानिंग आज के दिन बनाओगे, क्योंकि आज के बाकी के जो ग्रह योग है वो ग्रह योग भी आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद की जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव से चंद्रमा है, वह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में दोपहर 2:02 के बाद जाएगा। तो दो तरह के आज आपके मूड देखेंगे। सुबह का एक आपका मूड रहेगा, फिर दोपहर के बाद का एक जो मूड रहेगा, क्योंकि आपके राशि में मूड स्विंग बहुत जल्दी आते हैं।
तो ये जो दो मूड आपको सुबह मतलब दोपहर तक आपका जो मूड रहेगा थोड़ा बहुत निराशजनक रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत फील करोगे कि बातें अच्छी तरह से हो नहीं हो रही है, लो ऑफ कॉन्फिडेंस भी रहोगे, लेकिन जैसे ही दोपहर बीत जाएगी तो नए विचार आपको कुछ अलग ही तरह का उत्साह आपके जीवन में लाएंगे, आपका मन भी आनंदित रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो बाकी के सभी जो ग्रह जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ना, सिर्फ एक ही काम पर फोकस न करना, बहुत ज्यादा आपके पास योजनाएं होती है तो उस पर नहीं जाना, एक ही आपके पास जो काम रहेगा उसी पे फोकस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार थोड़ा बहुत सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के दिन जो बुध और मंगल का जो बुध और मंगल का जो केंद्र योग होने वाला है वो करीबन आगे आने वाले 3-4 दिनों तक रहेगा। यह जो केंद्र योग है, यह केंद्र योग आपके लिए सेहत के बारे में थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का जो नव पंचम योग बोलते हैं वो भी आपके पंचम भाव से और भाग्य भाव से होने वाला है। तो आगे आने वाले 3-4 दिनों में किसी प्रकार की आइडियाज आपके मन में आ सकती है। देखिए, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके राशि के लिए। अगर ऐसी कोई आइडिया, ऐसी कोई कल्पना आपके फ्यूचर के लिए आपके मन में आती है तो उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर काम करना, क्योंकि यह जो आइडिया है वह आगे जाके आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो। हालांकि अगर आपके मन में आइडिया आ जाए और आप ऐसा कहें कि चलो ये तो आइडिया अभी के जो वर्तमान में इसके ऊपर भरोसा रखना कठिन है, लेकिन जो भी आइडिया आपके मन में आएगी वो फ्यूचर में, भविष्य में सत्य या फिर प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देगी। तो यह जो मतलब आज से करीबन आगे वाले 2-3 दिन में ऐसी कोई घटना या फिर ऐसी कोई आइडियाज आपके मन में आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में जो चंद्रमा है वह चंद्रमा दोपहर के बाद आपके अष्टम भाव में जाएगा, और करीबन यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके जैसे ही अष्टम भाव में जाएगा तो वहां पर स्थित गुरु के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आपके लिए आज का दिन है वो आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ है। हालांकि बुध और मंगल का केंद्र योग है, वहां पर थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, और वो जो समस्या है वो समस्या आप देख भी रहे, थोड़े बहुत आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके साथ मतभेद हो सकते हैं, घर के जो मेंबर्स होंगे उनके साथ भी थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। आज के दिन थोड़ा बहुत दोपहर के बाद आपकी जो शारीरिक स्वस्थता रहेगी उसमें थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी के जो भी ग्रह योग है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सुगम है। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इनलॉज रहेंगे या फिर ससुराल के जो लोग रहेंगे उनसे कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप उनसे कोई मदद की आशा रखते हो या फिर ऐसी कोई बात हुई रहेगी तो वहां से आपको अनपेक्षित धन लाभ होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। आपके लिए आज का दिन दोपहर के बाद भी थोड़ा बहुत आपका मूड इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि धन लाभ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके राशि के लिए, क्योंकि गुरु भी आपके लिए अभी अच्छा हुआ है। इसके बाद की जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में से चंद्रमा चल रहा है और दोपहर के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आने वाला है। तो करीबन पिछले 2-3 खास करके कल के दिन आपका जो स्ट्रेस था वो बहुत इतना अच्छा नहीं था, मतलब आज का आपका दिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस में गया था, किस तरह से काम हो जाएंगे इसके बारे में थोड़े स्टकअप आप हो गए थे, लेकिन आज दोपहर के बाद वह जो स्ट्रेस है वह स्ट्रेस धीरे 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 कम होते हुए नजर आएगा। और आपके भी जो तृतीय भाव में जो बुध है उस बुध के साथ सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वह नेपच्यून नव पंचम योग करने जा रहा है, तो जो काम आप कर रहे हो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अच्छे परिणाम आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोपहर के बाद। बहुत दोपहर के बाद ये योग बनते हैं और करीबन आने वाले 3-4 दिनों में ऐसी कोई शुभ घटना आपके बारे में घट सकती है जिसके वजह से जिस विषय पर आप काम कर रहे हो वो जो विषय है वो सरलतम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ एक ही बात है, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हो या फिर किसी को कोई बात कमिट करते हो तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। क्या कमिट करना है, कैसे प्रॉमिस करना है, वो जो शब्द है या फिर किस इसके ऊपर आप प्रॉमिस कर रहे हो वो जो बात है वो अच्छी तरह से वर्कआउट करना, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप फंस सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के
पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:02 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में जा रहा है। हालांकि जो दिन है पूरा आपका अच्छा ही रहेगा, दोपहर के बाद का भी यद्यपि जो चंद्रमा है आपके षष्ठ भाव में जा रहा है फिर भी अच्छा ही रहेगा। अलग अलग कल्पना आपके मन में रहेंगे, हालांकि हमेशा आपके मन में कोई ना कोई तो विचार रहते ही है, लेकिन एक बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और 2-3 दूसरी भी बात है कि पैसों के मामले में आप बहुत ज्यादा सोचते हो, तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले 3-4 दिनों में कुछ ऐसी बात आपके लिए हो सकती है जिसके वजह से आपको आर्थिक जो लाभ बोलते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में आपको मिल सकते हैं। यदि भी चंद्रमा आपके दोपहर के बाद छठे भाव में जा रहा है, लेकिन फिर भी यह जो बुध और नेपच्यून का नवपंचम योग आपके द्वितीय और षष्ठ भाव में हो रहा है तो वहां से आपको आर्थिक लाभ होने के बहुत अच्छे आसार है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ इससे ज्यादा उससे रिलेटेड जो कल्पना रहेगी, जो आइडियाज रहेगी, वो आपको आर्थिक लाभ देके ही जाएगा आने वाले भविष्य के लिए, क्योंकि आपके लिए गुरु भी अच्छा हो रहा है, तो यह बात आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि में हालांकि आपका जो राशि का स्वामी है शुक्र, वो वक्री चल रहा है, तो सेहत के बारे में थोड़े बहुत आपके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज जो चंद्रमा है या चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जा रहा है, तो पिछले 2-3 दिनों में आपने थोड़ा आराम किया होगा, थोड़े घर पर आप थोड़े ज्यादा सेटल हुए रहेंगे, लेकिन आज दोपहर के बाद फिर से आप काम में पूरी तरह से निपुण हो जाओगे। और अगर आपकी शादी हुई है, संतान है, तो संतान के बारे में थोड़े बहुत विचार रहेंगे, उनके बारे में थोड़ी सोच रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी बात आगे बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके करीबन आपने कोई लोन लिया है या फिर ऐसे कुछ प्रॉमिसेस वगैरह किए हैं, तो उसके बारे में थोड़े बहुत शंका आपको आ सकती है, मतलब उसके बारे में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह रहेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस आगे आने के थोड़े चांसेस है आने वाले 3-4 दिनों में, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप अध्यात्म के मार्ग में हो या फिर धार्मिक पथ पे हो, तो आपको इंट्यूशंस मिल सकते हैं उसके बारे में आने वाले 3-4 दिनों में, मतलब आपका जो मन होगा वो थोड़ा शांत रहेगा, किसी आगे आने वाली घटना के बारे में आपको कोई ना कोई इंट्यूशंस मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, ऐसे कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर के बारे में आप देख सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो बातें आपको आने वाले 3-4 दिनों में जब भी आप सोए हो या फिर शांत बैठे हो तो अचानक ऐसी कोई कल्पना आ जाती है जिसकी वजह से हमें फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ तो ऐसी तरकीब मिल जाती है, फिर आइडियाज मिल जाते हैं, तो ऐसे योग आपके कुंडली में बन रहे हैं, तो इसके लिए तैयार रहना। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में से चंद्रमा है, वह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जा रहा है। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ही उम्दा समय है। करीबन दोपहर तक आप पूरी तरह से जिस विषय पर काम कर रहे हो उसी विषय से आप पूरी तरह से एक रूप हो जाओगे। दोपहर के बाद यानी कि शाम के समय थोड़ा बहुत घर पे आप रिलैक्स करना पसंद करोगे, और उसी तरह से आपके जो व्यय भाव का जो बुध है उस व्यय भाव के बुध के साथ जो नेपच्यून है वह नेपच्यून नवपंचम योग कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ आपके जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन आज के दिन आपको लगेगा कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो धीरे 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 कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके जो इनलॉज रहेंगे मतलब ससुराल के जो लोग रहेंगे उनसे भी आपके जो संबंध है उसमें किस तरह से अच्छे हो जाए, उसमें और अच्छी हार्मनी किस तरह से आ जाए, उसके लिए कुछ मदद होने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। उसी तरह अगर आप इजी मनी जिसे हम बोलते हैं, मतलब ज्यादा मेहनत न करते हुए जो पैसे कमाना जो बोलते हैं, ऐसे कोई क्षेत्र में है तो आपको आने वाले करीबन 4-5 दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा शुभ है, और आपको कंपलसरी उसके बारे में कोई ना कोई तो लाभ जरूर होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा है और दोपहर के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जा रहा है। आपके लिए भी जो समय है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ है। सिर्फ जो आप काम कर रहे हो तो उसमें जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे बोलते हैं उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी आपको कुछ गलत अनुभव मिल सकते हैं, लेकिन आज दोपहर के बाद आप पूरी तरह से आप जो काम करते हो उसी के ऊपर पूरी तरह से फोकस हो जाओगे, और वही करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसी भी
प्रकार के नए प्रोजेक्ट पे नहीं जाना, अपना जो बिजनेस है वो चेंज नहीं करना, नौकरी है तो वो भी चेंज नहीं करना, आपका समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, बीच बीच का जो कालावधि होगा उसमें आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो थोड़ा रुकिए, आपके 7:30 चल रही है, बड़े डिसीजन नहीं लेना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन में घर के खर्चे हो रहे थे, लेकिन आज दोपहर के बाद आप पूरी तरह से जो भी आप काम कर रहे हो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होकर आज काम करोगे। उसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि में दोपहर 2:02 तक आपके राशि में चंद्रमा रहेगा, उसके बाद वह जो चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए। आपके दशम भाव में जो बुध है वह बुध के साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वह नेपच्यून नवपंचम योग कर रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि जो भी जॉबलेस है, मतलब जिनको जॉब नहीं है, जिनको काम नहीं है, तो उनको काम मिलने के बहुत ज़्यादा आसार है, तो काम उनको मिल भी रहा होगा। उसी तरह आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी आज का जो समय है वो बहुत अच्छा चलेगा। आने वाले 3-4 दिनों के लिए भी जो ग्रह योग बन रहे हैं आपके राशि के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपका जो काम करने का तरीका है उसको सहारा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके घर के मामले भी धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका रहेगा वो भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है। सिर्फ आप अपने भावनाओं के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले व्यक्ति से, तो जहाँ पर आप काम करते हो तो वहाँ पर इसी आपका यह जो स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स में आप आ सकते हो। हालांकि जो प्रॉब्लम बहुत बड़े नहीं रहेंगे, लेकिन आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा होगा दोपहर 2:02 तक। उसके बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके राशि में आएगा। जैसे ही चंद्रमा आपके राशि में आएगा, आपका पूरा जो मूड है वो पूरा मूड चेंज होते हुए नजर आएगा। मतलब पिछले करीबन 2-3 दिनों से किन्हीं कारणों के कारण आपका जो अपसेट माइंडेड थे, आप अच्छा नहीं लग रहा था, आपका मूड इतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन दोपहर के बाद आपका जो मूड है बहुत ही अच्छा, सुगम, शांत और आनंदी हो जाएगा। क्योंकि यह जो आपके राशि में जो नेपच्यून है, वह नेपच्यून भी आपके भाग्य भाव में जो बुध है उसके साथ नवपंचम योग कर रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आगे वाले 3-4 दिनों में आपको सूचित करने वाली है जो कि शुभ है आपके फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए तैयार रहना। इंट्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे आ सकते हैं और धीरे 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 आपके लिए भी समय वो है वो बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आ रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर भी, यदि आप गृहिणी हो तो आपके लिए भी अभी जो आने वाला समय है वो बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:02 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में आ रहा है। आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। सिर्फ दोपहर के बाद आपका थोड़ा सा मूड स्विंग हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना ज्यादा आवश्यक है। दोपहर के बाद आप थोड़ा सा लोनलीनेस फील करोगे, और अगर आप फैमिली में भी या फिर अपने दोस्तों के साथ भी रहोगे तो थोड़ा लोनलीनेस फील करोगे, क्योंकि दोपहर के बाद जो चंद्रमा आपके व्यय भाव में आ रहा है तो आपका जो मानसिक स्तर होगा वह इतना अच्छा नहीं रहेगा। किन्हीं छोटे मोटे कारणों के कारण आप थोड़ा सा खुद को लोनली फील करने के चांसेस ज्यादा बन रहे। उसी प्रकार आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह नेपच्यून आपके अष्टम भाव के बुध के साथ नवपंचम योग कर रहा है। तो अगर आपकी शादी हुई है और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपके नहीं जम रहे, तो आगे आने वाले 3-4 दिनों में ये सभी बातें हैं वो सभी बातें नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। तो मित्रों, ये था 12 राशियों के लिए राशिफल दिनांक 19 अक्टूबर के लिए। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने प्रत्यक्ष इसको कैसे अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आपको घंटे का एक निशान भी आएगा जिसे बेल आइकन भी कहते हैं, वह भी दबाना, जिसके वजह से अपने चैनल के जो वीडियोस हर दिन नए नए आते हैं इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।